वालों की मिलकर बने, जो व्यंजन वो बड़ा जी में मिलकर। नमस्कार दोस्तों, आपका एमके एजुकेशन में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए सेल में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये दोस्तों, अगर आप सेल में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आप भारी मात्रा में आपकी वैकेंसी निकली हुई है और किन किन कैंडिडेटों के लिए क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको। और कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो से चलने से पहले मेरी आपसे एक पहली रिक्वेस्ट की है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और नए विजिटर्स हो जिसने क्या है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी बनाई हुई जितनी वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं और डिटेल्स हैं आप उससे अपडेट होते रहें। तो आपको करना क्या है, तो बस सिंपली रूप में आपको ये सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद आपको बेल का आइकन भी आपको दबाना है, ठीक है। इससे हुआ क्या कि इससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो है या मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पल पल आपको पहुंच जाए। तो आगे चलिए, जो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि सेल में आपको क्या क्या मांगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेल की जो मेन जो साइट है www.sell.com पे हूँ, और वहाँ पे आपको करना है क्या है कि कैरियर ऑप्शन को चूज करना है। कैरियर ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको प्लांट मिलेंगे, जैसे वहाँ का प्लांट है आपका, यहाँ राहुल केदार प्लांट आपका मिला हुआ है, तो ये राहुल केदार प्लांट को मिला हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें ये क्लिक करनी है वापस राहुल केदार प्लांट के लिए। तो चूँकि ये वैकेंसी अपनी राहुल केदार प्लांट में लेने के लिए हुई है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सीधे ही राहुल केदार प्लांट पर ये टेक्निकल का जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, तो जिसमें आपको बता दूंगा किस टाइप से आपको वैकेंसी आ रही है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये अपलोड होने में। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपका जो सेल का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया है, और ये मेन सीट है, इसमें आप वैकेंसी देख सकते हो। इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वो जो आपकी मैनेजर की निकली हुई है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे आपकी डिप्लोमा यानी कि ऑपरेट कम टेक्नीशियन, इसमें आपकी 170 पोस्ट है। इसमें से मैकेनिकल, मैट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपकी वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। और साथ साथ में जिसने के बॉयलर से जिसने डिप्लोमा किया वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो करना क्या है आपको, ऑपरेटिव कम टेक्नीशियन के अंदर आपको क्या करना है, आप अगर आपने मैकेनिकल, मैट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से आपने डिप्लोमा किया हुआ है और वो भी आपका कितना, आपका थ्री ईयर्स में किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए क्या करना है आपको, 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए, वो भी आपको बॉयलर से संबंधित केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फॉर गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट विद फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सीधे तौर पे आपको डिप्लोमा जो बंदे हैं आपके डिप्लोमा वाले बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपको मैनेजर की पोस्ट में है तो उसमें आपको डिग्री भी चाहिए, इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए आपको, डिग्री चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें है। आपको एज रिलैक्सेशन वही आपको दिया हुआ है, अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपको वही है आपका, मेल आपकी हाइट आपकी 155 है, फीमेल आपको 143 सेम चाहिए, वेट आपको 45 है आपका और 35 आपका चाहिए फीमेल का। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन करना है आपको, मेन चीज़ आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा इसमें से, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी के लिए जिसने इलेक्ट्रिकल से सॉरी मैनेजर जो जूनियर मैनेजर है उसमें सेफ्टी से किया हुआ है, तो उसके लिए आपको बायकायदा यहाँ पे एग्जाम होगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में यहाँ पे भी आपका एग्जाम होगा,
और ये इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देखिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपके उसके बाद जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और आपका होगा, उसमें से आपको 1:3 के अंदर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट आपका बॉयलर वालों के लिए होगा, और अदर डिप्लोमा जो बंदे हैं मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, उनके लिए कोई नहीं होगा, उनके लिए केवल आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर है, आपके टेस्ट सेंटर है आपके वो राउरकेला के अंदर होगा, भुवनेश्वर के अंदर, कटक के अंदर और संबलपुर के अंदर, ये 4 सेंटर आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आपको एक चूज करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको रिजर्वेशन है, आपका एयर इलेक्शन है ही आपका वही सेम, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपको क्या है, फीस एप्लीकेशन, यहाँ फीस एप्लीकेशन के लिए आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मैनेजर की आपका पोस्ट है, मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपको आपको देना है 500 रुपीज़, और अगर आपने डिप्लोमा से तुम भरती हो तो उसमें आपको देना है, आपको आपको देना है आपको यहाँ पे डिप्लोमा के लिए आपको 250, यानी कि 250 रुपये आपको देने हैं, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ सिलेक्शन, पेमेंट क्या रहेगा इसका, पेमेंट आपका वो ऐसे कलेक्ट से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड हो या आपका सिस्टम जनरेट चलन हो, उसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रांच है अपनी, फीस एक्सेप्ट करने की है 5/11 से आपका 4/12 तक आपको कर सकते हो, यानी कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप इसको फीस डिपॉजिट कर सकते हो। करना क्या है आपको भाई, कहना कैसे अप्लाई करना है, वही सेम आपको यहाँ पता हुआ है, आपका सेल की साइट आपकी www.sell.com पर जाना है, और कैरियर को आपको सबमिट करना है, कैरियर को क्या करना है आपको चूज करना है, उसके बाद आपको जैसे खुलोगे तो आपको एप्लीकेशन आप मिलने लग जाएगी, ठीक है, वहाँ अपन फॉर्म तुम सबमिट कर सकते हो। अच्छा, आगे देखिए, आगे आपका इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर पेमेंट हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, आगे है, आगे इसकी सैलरी हो बताइए आपकी, तो सैलरी कहेंगे इसमें से, आपको चलो मैं बताता हूँ आपका सैलरी इसमें क्या होगा, आपको 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, है ना, और उसके बाद तुम्हें क्या किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, 2 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस देख के आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है आपका सबसे बेस्ट आपकी जॉब है, इसमें करने के बाद आपकी इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपकी 5/11 से, अभी आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, 5/11 यानी कि 5 नंबर से आपको स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको 4 दिसंबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इस सेल के बारे में, जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में बताना था, और सबसे ये कंपनी के बारे में आपको बताया जाए तो सबसे डायमंड कंपनी है, नवरत्न कंपनियों में शामिल है, और आपके गवर्नमेंट से संबंधित आपकी कंपनी है, इसमें बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है अगर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाता तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ साथ में अपने किसी दोस्त को ज़रूर बताना जिससे कि मुझे डिप्लोमा किया हुआ, ठीक है, जिससे कि वो अपने फॉर्म को भर सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना साथ में, ठीक है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।